पक्षी पक्षी बैठे हैं, आप मन देख पात हो संगवारी हो, ये आजकल राजा तो नहीं लेकिन ये मन निवास कर डर दे। भी लगा था मैंने दिखाया पर प्रयास कर बन कि दिखा सकन। अच्छा यह पक्षी भी उड़ाते संगवारी। संगवारी हो, मैं हूँ आप मन के दोस्त दीपक। आज हमारा हम दो छत्तीसगढ़ के नवा जिला गरियाबंद में है, जहाँ पे वहाँ छोटे से क्षेत्र है राजिम, वहाँ पे आप मतलब मैं दिखा पाता हूँ फिंगेश्वर है गांव, जहाँ पे पुराना राजा राजा के बाड़ा हवा है, जहाँ पे दशहरा के दिन विशाल का है भव्य रूप में मेला मड़ई का आयोजन कराया जाते हैं। ऐसे कहा जाते हैं दोस्तों कि दशहरा के दिन यहाँ के राजा जी के अकाल मृत्यु हो गई रही से, तब से यहाँ दशमी के दिन दशहरा के आयोजन नहीं करे जाए, ओकर आयोजन 13 के दिन करे जाते हैं, और यहाँ पे बहुत भव्य रूप में मेला मड़ई के आयोजन होते दोस्तों। तो हम आप मतलब अब लेके जाथन राजा के बाड़ा के अंदर और वहाँ के विशेषता ला दिखाथन का कहा भाई। ये फिंगेश्वर के राजमहल के संगवारी हो, आप मन देखा था कि ये राजमहल है, और ये राजमहल के बाजू सा जस्ट सामने आंगन में ये तुलसी चौरा नुमा बने हुए जहाँ राजा मन पूजा पाठ करत रहिन हैं। तो आज संगवारी हो हमन आप मन ले बोन राजमहल के अंदर देखथन कि राजमहल के रहन सहन ओकर कुड़िया द्वार कैसे होत रहीस। आज महल घूमे के मौका मिले है, तो चलो संगवारी हो आज अंदर घुस के देखथन भीतर के नज़ारा दिखाए कोशिश करबन कि कैसे रीते। हमन अब ये अंदर में प्रवेश करथन, ये देखो संगवारी हो पुराना राजमहल में यहाँ के तारा देखो कुची नुमा तारा है, आज भी ये तारा लगे है। तो ये कुरिया में हमन नहीं घुस सकन लेकिन आगे जरूर जाबन। ये देखो ये पर्ची नुमा है, ये राजमहल के हरे। ताव चंगारी में चलथन, ये राजमहल में एक रूम के दरवाज़ा खुले है कुरिया के, चलो देखथन अंदर के रूम के का हाल चाल। ओ गौ माता यहाँ बैठ के विश्राम करत है। चलो संगवारी क्षतिग्रस्त हो गए हैं लेकिन बैठे रह माता बैठे रह, आज हम आप मतलब दिखावन कि ये पुराना समय में राजमहल मन कैसे रहत रहिन। ये सब दीवाल मन के भी करवा संगवारी हो, वो का है थोड़ा रेंगेन तकलीफ जाती। अब देखो चारों मुड़ा से खात हूँ आप मतलब, ये एक रूम के और दिखिस क्षतिग्रस्त हो एक वजह से रूम मन में पेड़ पौधा उग गए, जात तो नहीं बना संगवारी हो, फिर भी मैं बाहर से आप मन दिखाए कोशिश करूं। ये राजमहल की छत है पटवन में बनाए गए संगवारी हो, आज के भांति पहली भी राजमहल्ला प्लास्टर पुट्टी टाइप की करके रखे जात रहीस। एक चीज देखे मिले संगवारी हो, यहाँ हर चीज के है डिजाइन कलाकृति। देखो पटवा पाट बोलते हैं जेला फूला, यानी कि दिया बाती रखे पर जो पहली पहली तो लाइट वाइट नहीं रहा रही संगवारी हो, तो या तो मसाल रखे राजमहल में या तो फिर दिया, तो ये वो दिया रखे के स्थान है जहाँ पे अंजोर वगैरह है। अब हमन निकलथन ये रूम से संगवारी हो और आप मन ले के चलथन आगे की ओर। हाँ अब हमन चाहथन चलो देखथन संगवारी हो राजमहल के दूसरा छत में। फिलहाल हमन एक सुरंग नुमा दिखत है, संगवारी हो कहे जाए तो ये है गुप्त मार्ग। देखो संगवारी हो यहाँ मतलब एक दरवाजा टाइप की दिखा थे छोटे से, हमन आप मतलब दिखाए के फुल प्रयास करबो, ये थोड़ा अंधेरा है तो डर भी लगा थे। देखो संगवारी हो छोटे से ये है राजमहल के गुप्त द्वार जिला हम सुरंग भी बोल सकते हैं। अब जितना हो सके संगवारी हो मन अंदर दिखाए कोशिश करबो, ऐसे लगा थे यहाँ पे कुछ मटकी वटकी पक्षी पक्षी के भी आवाज आते हैं अंदर से, तो थोड़ा डर भी लगा था मैंने दिखाया पर प्रयास कर बन कि दिखा सकन। ये है सुरंग,
जी गुप्त मार्ग भी बोले जात रही से, जब अचानक कोई राजमहल में हमला कर दे अंदर भाग के भी जा सकत रही ने। इसी तो ऊपर दिखा है प्रयास कर बोन, ये पठोवा बने संगवारी हो, कुछ कुछ आवाज आ रही थे, थोड़े डर लगा थे, पर दिखावो ना मन। अच्छा यहाँ पक्षी भी उड़ा थे संगवारी हो, देखो। चलो हमन यहाँ ज्यादा देर नहीं रखती हुए निकलथन। अब आओ संगवारी हो, हमन आप मन लेखन छत की ओर, यानी कि एक दूसरा मंजिल की ओर। तो राजमहल के बनावट इस प्रकार होती संगवारी हो। चलो ऊपर की ओर चलथन और देखथन कि ऊपर कैसे बनी है। अब हमन सीढ़िया से चढ़थन और देखथन ऊपर कैसे है का है। ये देखो संगवारी हो, यहाँ रोशनदान बने हैं। अब ये छत में चढ़े, यहाँ पे अपन ला एक दरवाजा दिखी। ओहो छत की ढलाई संगवारी हो, ईटा ईटा टाइप की दिखत है। और सोचो संगवारी हो, पहले के समय में छड़ नहीं रही से, लेकिन ढलाई कैसे होती रही। ये एक रूम है संगवारी हो राजमहल के। वीडियो थोड़ा लंबा हुई, हमन कोशिश करबन कि बारीकी से दिखा सकन। ये देखो संगवारी हो, वो समय सीमेंट गिटा इट्टी न हो एक बावजूद यहाँ देखो किसी फ्लोरिंग मतलब छत ढला है। ये देखो संगवारी हो, ये है राजमहल। चमगादड़ उमगादड़ दिखत है। ये अपन ले एक ठकाऊ कुरिया दिखी इस रूम, अंदर लेके चलबोन। वाओ ये राजमहल के दूसरा रूम, वाह जबरदस्त है संगवारी हो। ये देखो ढलाई हो ये पुट्टी, आप माला दिखा पात हैं संगवारी हो। ये राजमहल के चारों मुड़ा एक कुरिया हुई, चलो वहां भी देख लेते हैं। राजा दुल्हन सिंह के राजमहल क्या जो आप मन दर्शन करवाते हैं संगवारी हो। ये राजा जी अपन महल से अपन राजनगरी के एति से दर्शन भी करत रही से। यहाँ से मतलब राजमहल के बाहर भी दिखते संगवारी हो। और ये सामने राजा जी शायद मंदिर भी बनवा के रखे, ये अपन देख पात हो संगवारी हो। मंदिर के गेट दिखत है जो अभी वर्तमान समय में शायद बंद कर दे है, और थोड़ा अच्छा से भी बना दे है। चलो संगवारी महल के विप्स करथन लेथन। अब हम कुरियत बाहर निकलथन और चलथन आगे की ओर, देखथन संगवारी राजमहल की छत और कैसे बने। ये हमन ला एक रूम और दिखी, लेकिन दुर्भाग्य संगवारी हो कि आप मन दर्शन नहीं करा पावन का वार की, यहाँ तारा लगे है। अच्छा रोशनदान है संगवारी हो। ये देखो राजमहल के मुख्य द्वार, यहाँ से राजमहल में प्रवेश करे जात्री संगवारी हो। मैं आप मन दिखाए कोशिश करूँ, कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिला थे। ये महल के दूसरा हिस्सा संगवारी हो। चलो अब यहाँ से मन नीचे उतर संगवारी हो, मन अभी भी छते में हन। और यहाँ से राजमहल के मुख्य जो घर रही से राजा जी के महल, उखर हम दर्शन करवा थे ना आप मन। ये आंगन है संगवारी हो, और ये महल के दूसरा ओर, मैं कैमरा सामने महल की ओर करता हूँ। ये महल मुख्य महल रही से जहाँ राजा जी निवास करत रही सपरिवार के संग में,
यहाँ भी डबल मंजिल है संगवारी हो। बिना छड़ के छत के ढलाई होए कितना सुंदर दिखत है और आज भी मजबूत है। सोचो संगवारी हो, उस समय सीमेंट के आविष्कार नहीं हो रही से, न राड नहीं रही से, फिर भी कितना जबरदस्त टाइप के बनाए गए। देखो ये संगवारी हो चूना गुड़ के मिश्रण से ढलाई जोड़ाई प्लास्टर ये सब करे गए हैं, जो कि आज भी बहुत ही मजबूत है। संगवारी हो मन फिर महल के मुख्य द्वार में पहुंच गए। अभी आओ संगवारी हो, बाकी है महल के अंदर के अभी भी दर्शन करना। ये एक और रूम मिलीस, यहाँ भी मतलब बहुत से रूम खंड दिखा थे जेकर आप मतलब विप्स करवाबो दिखवाबो। संगवारी हो देखा था कैसे बनी रही पुराना समय में राजमहल, राजा दलहन सिंह के भवन। हाँ संगवारी हो मल याद है इस कि हम नान नान जब रहें ना तो बड़ सोचन कि पहले के राजा महाराजा मन नहात कहाँ रहीन उखर दिनचर्या कैसे रहीस। तो संगवारी हो आज उखर रंधनी खोली और स्नानगार ये भी दिखाए कोशिश करबो न, अगर मिल जाए तो ये रूम खोले हुए दिखाते। संगवारी हो देखो पहले पुराना समय में राजमहल के कुरिया दरवाजा कैसे रहीस, अभी तोड़ दे शायद ले। चलो अंदर जाके देखते हैं। ये हम प्रवेश कर दें रूम में। देखो संगवारी हो आज तो क्षतिग्रस्त है लेकिन आज भी मजबूत खड़े है। देखो संगवारी हो ये थोड़ा टूट फूट गए क्षतिग्रस्त हो गए हैं लेकिन आज भी मजबूत अपन जगह में खड़े हैं। यहाँ से देखे से एक बात पता चलती है संगवारी हो, देखो ये अंग्रेजी में लिखे मतलब कि यहाँ के जो राजवंश रही से वो काफ़ी पढ़े लिखे रही से, काफ़ी जानकार रही से। ये एक और रूम दिखत संगवारी हो, चलो अंदर जाके देखते ना आखिर है का चीज। संगवारी हो अरे यार पक्षी वक्षी उड़े थे, हुई थोड़ा डर लगे थे अंदर घुसते हुए, फिर भी आप मतलब दिखाए कोशिश कर। ओ ये देखो संगवारी हो अरे यार पक्षी वक्षी, ये राजमहल में स्नानगार। आप मतलब कुछ दिखाना चाहता हूँ संगवारी हो मैं वीडियो में, ये खंडहर है इखर वजह से। हाँ अरे अरे उड़ी बाबा पक्षी वक्षी बैठे है आप मन देख पाते हो संगवारी हो। ये आज का राजा तो नहीं लेकिन ये मन निवास कर दे। चलो संगवारी हो आथन मुख्य में। ये देख के हमें ऐसे लगा थे कि ये हरे राजा जी के नहानी यानी कि स्नान गृह है, यहाँ राजा जी नहात रही से, राज परिवार अपन स्नान ध्यान यही करे। ये अपन पहली के नहानी खोली जिला स्नान गृह बोले जाते। ये छत के बनावट संगवारी हो बड़ पुराना हुए की वजह से थोड़ा टूट टूट गए है। ये फूला पठेरा के थन संगवारी मैं बताए रहे हो ना, अंजोर करे बर पहली तो लाइट नहीं रही से तो चिमनी मसाल वगैरह वगैरह जला के। ओ ये एक चीज़ और दिखी से इसे तो कह रहे, चलो अंदर जाके देखते हैं संगवारी हो। ओ ओ शौचालय रूम, ओ तो देखो संगवारी हो पहली के राज महल में भी शौचालय होत रही से, अभी तो ये क्षतिग्रस्त है। तो यहाँ की ये शौचालय संगवारी हो, तो इखर से एक बात तो साफ होते संगवारी हो कि राजमहल में कोई डब्बा धर के मैदान नहीं जात रही से, यानी कि यहाँ भी शौचालय होत रही से। चलो चलते हैं अब हमन फिर से राजमहल के बाहर चलते हैं। देखो संगवारी हो जैसे जैसे हमन रूम मला निकलते हैं तो हमला कहीं कहीं अंग्रेजी में नोटिफिकेशन दिखा थे नहीं कि लिखा है, इधर से तो ये जानकारी होती है कि यहाँ के राजमहल
रवि है जो राजवंश गोडवाना समाज इमन काफी पढ़े लिखे रही हैं। ये देखो संगवारी हो, ये खम मुख्य महल है, वहाँ ताला लगे के वजह से संगवारी हमन अंदर तो नहीं जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो आप लोग वहाँ के भी दर्शन कराते हैं कि अंदर के रूम कैसे है, कहाँ है। फिलहाल संगवारी हो मैं अटके दिखा सकता हूँ। अब ये देखो संगवारी हो, यहाँ तो ताला लगे है, ताला लगे की वजह से हमन अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैं आप मतलब बाहर से ही दिखा देता हूँ कि राजमहल कैसे रही। ये संगवारी हो पुराना समय के सोफा दिखाऊँ आप लोग जो राजमहल में रही से। ये वो सोफा है, खैरात तो टूट गए हैं पर यहाँ राजा जी विश्राम कर बैठे। चलो संगवारी हो आज के राजमहल के भ्रमण यहीं में समाप्त करते हुए आप मन से विदाई ले बोल। तो संगवारी हो आप मन देखे हो वीडियो फिंगेश्वर जहाँ पे राजा मन के महल रही सब है, कहा जाते बाड़ा रही सब है। तो अगर आप मान ला ये वीडियो अच्छा लगी सो ही तो वीडियो लाइक कर दूँ, शेयर कर दूँ और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके बटन ना रखूँ, बेल आइकन ना चपक दूँ दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो हम जब भी डालबो आप मन तक सबसे पहली वो नोटिफिकेशन पहुँची। तो जय जोहार संगवारी, जय छत्तीसगढ़।